यार बिटकॉइन हमारी कोई फीलिंग नहीं है मतलब मार्केट करेक्शन नेगेटिव न्यूज साडी बुलिश मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ नहीं मतलब कुत्ता 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 टॉमी आई एम जस्ट किडिंग अरे जो जनवरी में ज्यादा जो मार्केट अगर आप ईयरली चार्ज भी देखोगे तो जनवरी और डिसंबर में मार्केट थोड़ा डाउन ही रहता है क्योंकि करेक्शन का टाइम होता है ये अगर हम अभी फियर एंड ग्रीन इंडेक्स देखे तो ट्वेंटी पे शो कर रहा है एक्सट्रीमली फियर में आप सबको पता है पिछले एक महीने से मार्केट में काफी नेगेटिव न्यूज आ रही है और काफी पैनिक का माहौल है पार्लियामेंट में जो बिल आया था उसका रशिया में जो बैन हुआ था काफी चीजें बहुत नेगेटिव हुई है तो उसका वो इम्पैक्ट पड़ रहा है जितने

जा सकता है इस मार्केट में अगर हम वॉरेन बफेट को देखते हैं इन लोग को देखते हैं अगर हम, हम इतने इंटेलिजेंट तो नहीं है लेकिन उनकी थोड़ी बहुत अगर हम टीचिंग्स को थोड़ी बहुत उनकी लर्निंग्स को उनके बुक के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली उनके बुक्स के जो भी हमने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं अपनी जो जोजर्वेशन है मेरी स्टॉक मार्केट की इतने सालों की उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि इस मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है वो चीज़ें हम जो अगर हिस्ट्री रिपीट इतिहास अपने आप को दोहराता है तो वो इतिहास को अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन में हमने काफी बार ये डाउनफॉल देखा है और भी बाकी कॉइन्स में स्टॉक मार्केट में भी तो ये वापस से अपना बुलेश जो बी मार्केट चल रहा है वो अपने आप बुलिश होता है तो आपको यहां पर देखना है कितना सकते हैं क्या कर सकते हैं बहुत हो गई ज्ञान की बातें <laughs> अब हम चार्ट जाते हैं तो बिटकॉइन में हम देखते हैं यूएसडी में, में, में प्राइस लगा रखे हैं तो इसमें क्या एक तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है पे इस ट्रेंड के अंदर भी एक छोटा सा ट्रेंड चल रहा है वो है डाउनफॉल का तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं टूटेगा अगर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो अगर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता लेकिन ये इतना है कि हाँ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा एक एक बुलिश मार्केट की ही आप एक्सपेक्टेशन लेके चलो क्योंकि जो एल सेल्वेडोर है उन्होंने भी एक, ये बोला है कि यहाँ पे हंड्रेड थाउजेंड डॉलर का जा सकता है बिटकॉइन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू में अगर हम पॉजिटिव देख के चलते हैं क्योंकि काम है ना एक वो कहते हैं ना कि जो काम आप कर रहे हो अगर उसमें ही आप नेगेटिव खुद ही लेके चल रहे हो तो वही बात होगी कि आप जिस पेड़ में बैठे हो जिस डाल में बैठे हो जिस पेड़ की उसी डाल को आप खुद ही काट रहे हो तो ऐसा लेके एक्सपेक्टेशन नहीं मत चलो या वो मत चलो जितनी पॉजिटिव न्यूज आ रही है इसके बारे में एक न्यू चीज है और हर जो नई चीज आती है उसके बारे में लोग एडप्टेशन नहीं करते इवन स्टॉक मार्केट के बारे में आज भी लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक स्टॉक मार्केट 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 जो है है सट्टा सट्टा सुना होगा आपने किसी से बात करते हो तो जब अभी तक तक अभी लोग नहीं इवन इंडिया में भी अभी टेन परसेंट लोग भी नहीं है जो स्टॉक मार्केट में फुल्ली इन्वेस्ट करते हैं तो इवन आप क्रिप्टो करेंसी से कैसे सेक्सपेक्टेशन करो लोग पूरी तरह से उसे कर लेंगे इतनी न्यू चीज को है ना तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहो और इतना पैनिक की वजह से ऐसा ना हो कि कोई भी न्यूज आ रही है लोग सेल कर दे रहे फिर उधर हम लॉस में आ गए ये मार्केट में तब तक मैंने जब से क्रिप्टो मार्केट ज्वाइन किया मैंने आज तक एक रुपये का भी लॉस नहीं खाया पता है इसका रीजन क्या है ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक आपको लॉस नहीं होने वाला ना तो आप होल्ड करो ना आईसीपी जिन लोगों ने आईसीपी IC, हाँ, सॉरी अभी उन्होंने जो होल्ड किया हुआ है वो वो उन्होंने में किया था आज वो टक्के के भाव मिल रहा है दो हजार में मिल रहा है लेकिन वो अभी तक होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस पर पॉजिटिव तो आप ऐसे मीम कॉइन पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग लेकिन अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉग कॉइन पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है यार पोल हो गया अच्छे इनमें आप इन्वेस्ट करके चल रहे हो आपको पता है आज नहीं तो कल अच्छा करेंगे करेंगे और इनके बारे में जो भी न्यूज आप अपडेट

डिप में जाते जा रहे हैं लोग जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन को इथेरियम को सोलाना को एकोमोलेट करते चले जा रहे हैं जितना डिप में जाते चले जा रहे हैं ये लोग उतना इसको होल्ड कर... मतलब और एकोमिलट कर रहे हैं और कर रहे हैं तो वॉरेन बफेट का एक कोट है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल मतलब जब मार्केट फियर में है तब आपको ज़्यादा से ज्यादा चीज़ें बाय करनी है और जब मार्केट सेल कर रहा है ग्रीन है तब आपको सेल करना है जब मार्केट खरीद रहा है तो अभी आप क्या कर सकते हो जितने भी जो स्ट्रॉन्गली फंडामेंटल कॉइन्स है क्योंकि मैं भी नहीं बोलूंगा कि आप मीम कॉइन पर इन्वेस्ट कर दो कोई भी मीम कॉइन मिल रहा है कुछ भी कोई बोल रहा है कि इसको आए न्यू शी आए न्यू शिवाइन यू तब खरीद दो शिव एन यू मतलब उसका ये कि अभी उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं शिव आन यू पे तो आप जितना भी थोड़ा बहुत अमाउंट जितना भी डाल सकते हो ये नहीं आप घर बार बेच के सपो शिव आए न्यू पे लगा दो या डॉज कॉइन पर लगा दो छोटा मोटा उटअप लगा सकते हो शिव आरोप डॉज कॉइन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत लेकिन एकदम कोई भी आ रहा है कोई कॉइन उस पर मत लो तो जैसे मैं बताता हूँ कि मैं जैसे कॉन्स को किस तरह से एकोमोडेट करता हूँ मैं किस तरह से बाइंग कर रहा हूँ कॉइन्स की और किस तरह से मैंने क्योंकि, क्योंकि काफ़ी मैंने भी जब मार्केट एक बुलिश जा रहा था अच्छी चीज़ें हो रही थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पार्लियामेंट में ऐसे बिल आ जाएगा और मार्केट एकदम नेगेटिव में चला जाएगा तो समय हर कोई बुलिश ही हो रहा था मार्केट में हर कोई सिक्सटी के बिट जो सिक्सटी के जाएगा हंड्रेड थाउन जाएगा यही सब सोच रहे थे तो वे नेगेटिव आ गई लेकिन अभी आप यहाँ पर होल्ड कर या तो होल्ड कर लो या फिर अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है थोड़ा बहुत आप थोड़ा 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 और इन्वेस्टमेंट करो ताकि जब जो पोर्टफोलियो जो बैलेंस हो जाए कि आपको डिप का भी फायदा हो अगर वो मार्केट बियरिश होता है जाके। तो मैं आपको बताता हूँ जब मैंने कार्डानो जब मैंने खरीदा था तो मैंने कार्डानो को वन फिफ्टी खरीदा था जब कार्डानो को वन फिफ्टी पे खरीदा था जैसे वो वन थर्टी हुआ, हुआ नीचे जाते वन थर्टीड पर ही मिलेगा नाइनटी सेवन नाइनटी डबल डिजिट में भी आ गया था कार्डानो मैं उसको जितना वो नीचे डिप में जाता है यार हल्का 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 अमोमोड करते चले जाऊँ जितनी मेरी पॉकेट अलाउ कर रही जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे जितने पोल का डॉट हो गया ये होगा मेटावर्स मेटावासन होगा वेब थ्री कॉन्स हो गए जिनके टॉप टेन टॉप फाइव कॉइन मैंने सब बना रखे रखा मेरी लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो प्ले में और कमेंट में बता देना मैं उनके बता दूँ आपको कि वेब थ्री को टॉप कॉन टोकन्स कौन से हैं और मेटावर्स टोकन कौन से हैं तो जितना ही डिप में जा रहे हैं आप इनको लो लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे कॉइन्स को लो जो जिनका जिनके बारे में आप न्यूज सुन रहे हो जिनके बारे में स्ट्रॉली फंडामेंटल उनके व्हाइट पेपर्स को स्टडी करो थोड़ा बहुत उनका में स्टडी करके ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे रहे आप कुछ भी बाय कर ले रहे हो कार्डानो है ये आपको ऐसा नहीं हो सकता है कार्डानो कार्टानो हंड्रेड का प्रॉफिट दे देगा दे लेकिन आपको है टू एक्स थ्री का सोच रहे हो तो कार्डानो अच्छा है क्योंकि कार्डानो में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तो अगर मैं समप करता हूं कंक्लूजन बताता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मार्केट है अभी जितना डाउनफॉल में जाता जा रहा है जितना मार्केट डाउन में जा रहा है आप उतना हल्के हल्के को जितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है उनका आपको करते चले जाओ मेटावर्स वेब थी को क्योंकि अभी जो, जो है ना ट्रेंड इस फ्रेंड तो जितना ट्रेंड में मेटावर्स वेब थ्री का ट्रेंड रहेगा टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो उसको आप जितना है लेते चले जाओ और जितना अभी है जो आपने ले लिए हैं हाई प्राइस पर उनको होल्ड करते जाए जा ठीक है और लेकिन जब जिस बिकॉज मैं बोल रहा हूँ एक डिस्कलेमर से इस वीडियो को एंड कर दें कि क्रिप्टो करेंसी बहुत हाईली वॉल्टाइड है जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है इसलिए आप ना खरीदें अपनी एक रिसर्च करें अपना देखें कितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्ट करें जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है घर बार बेच के सब कुछ मत लगा देना करोड़पति बनने के उसमें और अगर मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया तो एम रिली सॉरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा उसको प्लीज इस वीडियो को थम्स अप करना न्यू लाइक करना मेरा न्यू चैनल है मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च करने के बाद जब मेरे को लगा कि ठीक है अभी नॉलेज शेयर करनी चाहिए तब मैं आऊँ तो मेरा एक न्यू चैनल है आप लोग न्यू चैनल को सपोर्ट नहीं करते प्लीज आप इस चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो जो भी आपके क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू